हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से पॉइंट किचन में आपका। आज हम बनाएंगे सूजी की खीर और फ्रूट शॉट्स, पर उससे पहले हम बनाएंगे थोड़ा सा प्रसाद व्रत को खोलने के लिए। तो प्रसाद बनाने के लिए, या चरणामृत भी इसको बोल सकते हैं आप, मैंने लिए हैं कुछ तुलसी के पत्ते और 1 से 1.5 चम्मच के करीब शहद, 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी, और स्वाद के अनुसार चीनी या आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो पहले हम 1/2 कप पानी ले लेंगे। ये मैं सिर्फ 1 जन के लिए बना रही हूँ, तो आप जितनी मात्रा में इसे बनाना चाहें बना सकते हैं। 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध। तो दूध हमने फुल क्रीम कच्चा दूध लिया है, क्योंकि हम ये भगवान को अर्पण करने वाले हैं, तो गर्म दूध भगवान को हम नहीं चढ़ाते, तो इसलिए ठंडा दूध 1/2 कप। और इसमें मैं मिलाऊंगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब शहद। आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें शहद मिला दूँगी। और थोड़ी सी चीनी, तो ज़्यादा मीठा हम इसे नहीं बनाएंगे, हल्का मीठा ही रखेंगे इसको। तो शहद और चीनी को एक बार अच्छे से इसमें हम मिला देंगे, और उसके बाद फिर अच्छे से कई बार धोकर तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्ते आप जहाँ भी हम लगाते हैं, कहीं गार्डन में या गमले में, तो धूल मिट्टी बहुत होती है इनके ऊपर, अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी में या धो लें। तो मैंने 7 से 8 के करीब जो है तुलसी के पत्ते इस पे मिला दिए हैं, और इसे बनाकर हम इसे भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। और बाद में अगर मौसम गर्म है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, और इसे आप व्रत खोलने के लिए इस्तेमाल करें, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये बहुत स्वाद भी लगता है। दिन भर भूखा रहने के बाद ये आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने फ्रूट्स शॉट्स बनाना। तो चिया सीड्स को हमें भिगो के रखना होगा 3 से 4 घंटे पहले। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं भीगने के बाद, तो एक पेस्ट की तरह है। तो 2 चम्मच चिया सीड्स को मैंने 1/4 कप पानी में भिगो दिया था, जो अब इस तरह से हो गए हैं। सारा पानी सोख लेते हैं चिया सीड्स, और अपने मन पसंद कोई भी 4 से 5 तरह के फ्रूट्स आप ले लीजिए। तो अभी मेरे पास यही फ्रूट अवेलेबल हैं, तो मैं इन्हीं से अपने फ्रूट शॉट्स बनाने वाली हूँ। तो अनार को मैंने छील लिया, बनाना को मैं जब खाते वक्त ही इसके पीसेस काटूँगी, और ये मैंने पपाया छोटे पीसेस में काट लिया है, नाशपाती को, अमरूद और एक सेब को। तो ये हमारे फ्रूट्स कट गए हैं। तो और ये जो ग्लासेस हमारे घर में होते हैं, आमतौर पे सबके घरों में होते हैं छोटे ग्लासेस, कोई भी ग्लास आप ले सकते हैं अपने फ्रूट शॉट्स बनाने के लिए, ऐसा कप हो तो वो भी चलेगा, ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना को मैं साइड में रख देती हूँ, और ये ग्लास हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लेयर बनाऊँगी पपाया फ्रूट की। तो इस तरह से आप फ्रूट इसमें डालेंगे और उन्हें एक लेयर बनाएंगे, हल्का हल्का प्रेस करते हुए, बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि जूस ही निकल जाए फ्रूट का, बिल्कुल लाइटली एक लेयर बना लें इस तरह से प्रेस करते हुए।
इस तरह से उसे थोड़ा लेवल पे ले आए तो देखने में भी अच्छा लगता है और फिर खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। इसके ऊपर एक लेयर हम बिछा देंगे चिया सीड्स की। तो चिया सीड्स खाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आप सिर्फ व्रत वाले दिन नहीं, आप इसे हर रोज़ खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में या जब भी आप फ्रूट खाते हैं अपने फूड टाइम पे। स्किन के लिए और हमारी एजिंग के लिए, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है चिया सीड्स, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अच्छा होता है। आपको वेट लूज़ करने में हेल्प करता है, आपकी नई मसल्स बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे ठीक रखता है। डायबिटिक लोगों के लिए चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं, और हमारी डेंटल हेल्थ के लिए तो चिया सीड्स बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर मैं फ़ायदे गिनाने में आऊँ तो ये पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी चिया सीड्स के फ़ायदे गिनाने में ही। ये मैंने अमरूद और नाशपाती की एक लेयर बना दी है, एक और हल्के हल्के ऐसे ही हम उसे प्रेस करते रहेंगे। थोड़े से पीसेस और डाल दिए मैंने, और इस तरह से आप उसे हल्के हाथ से प्रेस करके लेयर बनाएंगे। इस तरह हो गया, और अब एक लेयर और चिया सीड्स इसके ऊपर हम बिछा देंगे लेयर। थोड़े से एप्पल डाल देती हूँ पहले, क्योंकि फिर फ्रूट पीसेस कटे हुए बच जाएंगे मेरे पास, मुझे इन सारे फ्रूट्स को ख़त्म करना है। तो इस तरह से कलरफुल फ्रूट्स लेंगे तो खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जितने रंग आप अपने खाने में शामिल करेंगे उतनी ही आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। और व्रत वाले दिन कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं, करवा चौथ का मतलब वो पानी भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे में ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, तो आप अपना व्रत जब खोलते हैं तो कोई भी तली हुई चीज़ आप खाना अवॉइड करके आप फ्रूट्स खाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एकदम से अगर हम भारी खाना खाते हैं तो तबीयत भी ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन जब आप लाइट फूड खाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब होने का डर भी नहीं, और बॉडी को ज़रूरी विटामिन्स और पानी भी खूब मिल जाएगा। तो ये एक चिया सीड्स की लेयर के बाद मैंने इस पे अनार के दाने की लेयर बना दी है। बस आपको ऐसे ही लेयर बनाते जाना है, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही स्वाद लगता है। अब थोड़े से पीसेस पे पपाया के डाल देती हूँ ताकि कलर दिखाई दे, थोड़ी सी नाशपाती के पीसेस और थोड़ा सा ये ग्लास मेरा फुल हो गया है तो मैं इसे आपको साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये, और खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से अब हम अपना दूसरा ग्लास भी रेडी कर लेते हैं, और थोड़ा सा फटाफट मैं इसको लगा देती हूँ। पहले मैंने सारे अमरूद के पीसेस डाल दिए इसमें, इन्हें थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर नाशपाती के कुछ पीसेस बचा लेती हूँ ऊपर लगाने के लिए। जी ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद फिर एक लेयर चिया सीड्स की। तो ये जो मैं रेसिपी आपको दिखा रही हूँ ये मैं खुद खाना पसंद करती हूँ व्रत वाले दिन, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब की बार आप भी इसे बनाइए, खाइए, और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और मैं आप सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। तो मैंने डाल दी
पपाया के पीसेस और एप्पल के पीसेस, और इन्हें इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। और अब थोड़े से पहले अपने चिया सीड्स को ख़त्म कर देती हूँ मैं, ये देखिए बस फिनिश। और इसे किनारे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से फैला देंगे। अब बचे हुए नाशपाती के टुकड़े और अनार के दाने और थोड़े से इस दूसरे वाले गिलास में भी डाल देती हूँ, थोड़े से ये पपाया की पीसेस। चलिए हो गए सारे फ्रूट्स हमारे ख़त्म और हमारे शॉट्स भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए ये शॉट्स अब बिल्कुल रेडी हैं। तो 8, 8:30 बजे या 9 बजे के करीब चाँद निकलता है, तो उसके 1-2 घंटा पहले बना के आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप तैयारी करते हैं सूजी की खीर बनाने की। तो पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे, ये मैंने ली है 1/2 कप के करीब सूजी। थोड़ी मोटे वाली सूजी अगर आपको मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करें। और ये है 2 लीटर के करीब दूध, जिसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा दूध में उबाल आएगा तब तक हम सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हमने कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हल्का सा मीडियम फ्लेम के ऊपर कुछ मिनटों के लिए इसे इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे ताकि जो दाने हैं वो और खिल जाएं। बस कलर आपने चेंज नहीं होने देना, इतना रोस्ट नहीं करना कि कलर चेंज हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के अंदर इसे हम रोस्ट करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे उबलते हुए दूध में। एक साथ से आप ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि गांठें ना बने, फिर गांठें जो है खाने में अच्छी नहीं लगेंगी खीर में। तो थोड़ा थोड़ा करके 1 या 2 बार आप इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा और डाल देंगे। अब थोड़ा सा और, ये मैंने अब की बार सारा ही डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। इसको हमने छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। एक एक दो दो मिनट के अंतर पे लगातार इसे चलाते हुए हम बनाएंगे। तो ये थोड़ी देर में ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। चावल की खीर बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन सूजी की खीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1/3 भी टाइम नहीं लगता है चावल की खीर के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो। तो साथ साथ इसे चलाते रहेंगे, साथ साथ हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रेडी कर लेंगे। जैसे मैंने बादाम को थोड़ा पतला और लंबा काट दिया है, कुछ किशमिश मैंने ली है, कुछ अखरोट के टुकड़े हैं, इलायची है और चिलगोज़ा। तो इलायची मैंने अभी डाल दी है, थोड़ा सा मुँह खोल देंगे इलायची का, पकाते टाइम ही हम इसे मिला देंगे तो इलायची की खुशबू जो वो अच्छे से रच बस जाएगी खीर के अंदर। और आप देख रहे हैं खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू भी हो गई है। और उसके साथ साथ हम थोड़े से पिस्ता को ब्रांच कर लेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं सीधा, लेकिन ब्रांच करने से क्या होता है, इसका जो ग्रीन कलर है वो बहुत खिल के आता है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और पिस्ता थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो कुछ सेकंड के लिए, बस 20 से 30 सेकंड तक आप इसे उबलते पानी में डालें और फिर फौरन निकाल लेंगे।
एक प्याली में मैं इन्हें निकाल रही हूँ और आप देख रहे हैं ना कि इनका रंग कितना सुंदर हो गया है। तो अब मैं फटाफट से इनको निकाल लेती हूँ, ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इनका छिलका हटाकर फिर हम इन्हें बारीक चॉप कर लें। तो इस तरह ब्रांच करने से छिलके जो वो आसानी से उतर जाते हैं और आप देख रहे हैं ना कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी खीर को बीच बीच में चलाती रहूंगी और मैं ये सारी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। तो साथ साथ मैं इनके छिलके हटा के इन्हें बारीक काट लेती हूँ। तो ये हो गए हमारे पिस्ता भी रेडी। तो पिस्ता को मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली। आप तो कह रहे थे ऐसे साइड में फोटो की तरह रखो। और इधर हमारी जो खीर है वो भी बन के तैयार हो गई है। खीर हमारी गाढ़ी हो गई है और अब हम इसमें मिला देंगे चीनी। आप चाहें तो गुड़ भी मिला सकते हैं। और इसे आपने ज़्यादा मीठा नहीं करना है क्योंकि पूरा दिन उपवास रखने के बाद ज़्यादा मीठा शायद आपको अच्छा ना लगे, तो उसे हल्का मीठा रखें। अच्छी तरह से चीनी को मिलाएं और फिर गैस स्टोव को बंद कर दें। थोड़ी देर इसे चला देंगे ताकि चीनी है अच्छे से मिल जाए और फिर उसके बाद उसमें आप ड्राई फ्रूट भी मिला देंगे। किशमिश और ये अखरोट के टुकड़े और ये है मुनक्का और ये है चिलगोज़ा और ये बादाम, इसमें से कुछ टुकड़े मैं रख रही हूँ ताकि ऊपर गार्निशिंग में काम आएंगे ये। और इसे अच्छे से मिला के अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और पिस्ता और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रख लिए हैं, इनको हम जब इसे बॉल में डालकर इनसे हम सजाने वाले। तो ये अभी बहुत पूरी तरह ठंडी तो नहीं हुई है, फिर भी मुझे अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है आपको दिखाने के लिए, तो मैं बॉल में निकाल रही हूँ। बाकी को फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँ। तो ये इतना काफ़ी है और अब इसे हम गार्निश, आप अपने तरीके से भी गार्निश कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। और यहाँ मैं पिस्ता को डालूँगी सिर्फ किनारी पे, बोल के किनारे किनारे पे आप डालें ग्रीन पिस्ताश को इस तरह से। देखिए क्या ये खूबसूरत नहीं लग रहा है आपको? तो और बीच में मैंने थोड़े से बादाम और एक ब्लैक किशमिश और एक ग्रीन किशमिश रखा है और किनारे पे पिस्ता लगाए हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और एक पिक्चर अच्छी है, इसलिए एक डार्क कलर का कोई भी किचन टॉवल या कोई भी कपड़ा आप बिछाएं और उसके ऊपर अपने बॉल को रखें। और फिर ये देखिए क्या खूब हमारी खीर लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है और लाइट भी, ये बिल्कुल हैवी नहीं है। पूरा दिन व्रत करने के बाद जब आप ये लाइट खाना खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।